Dear all children, I am speechless because our student, UPSC topper Master Shubham is with us. I have no words how to express my happiness. I thank first our Honorable Secretary, sir, Rajesh ji, who asked Shubham to come and meet us again. Dear children, you all know already he has come. He came some months before. The information you all know about, here is your Shubham Bhaiya sitting along with you. And Shubham, despite being UPSC topper, IAS officer, still Shubham is same what he was when he had joined this school as a student. No change. This is what we learned from him. You should learn from him. Whatever peak you reach, you earn in your life by working hard. You should be not forgetting that, after all, you are a student of someone and you are in front of your teachers. I remember, even right now, a moment ago, I didn't say Shubham or aap. Rather, I said, Shubham, aa gaye kaise ho? As if he's still my students reading in some classes. Usi tarah se, ek aur mere bachche hain, Nishant. Galti se maine usko aap kah diya tha. Woh gussa gaya, root gaya humse. Kaha, aap log humko aap mat kahiye. Tum hi kahiye. उसको कैन भी कह के एड्रेस करते थे क्लासेज में, कहा वैसे ही कहिए. यही होता है हमारे बच्चे का शिक्षा दीक्षा रहन सहन, यही है हमारा संस्कार, यही हमने सिखाया था इन लोगों को, यही आप लोगों को भी सिखा रहे हैं. और आज जो खुशी हमें मिल रही है इतने बच्चों को शांति, और आप लोगों, आप लोग भी विदाउट वेस्टिंग टाइम यू ऑल सेटल डाउन. No whispering, nothing. So thank you all. Now I would like I welcome our student, still Master Shubham, and I would like to call some girls to give bouquet to their Shubham Bhaiya. शुभम कुछ जल्दबाजी में है किसी कारणवश, सुंदर कारण है. अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने शुभम को बुलाना चाहूँगा आप लोगों से बात करने के लिए. शुभम,
A very good evening, everyone. Respected sir, ma'am, teachers, and my dear students. Sir ne kaha ki R.C. Mishra sir ne invite kiya, tab main aaya. जैसे एक बच्चे को अपने परिवार में आने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती, सर इनवाइट नहीं भी करते तो मैं खुद यहाँ चला आता. लास्ट ईयर रिजल्ट के बाद मेरी ट्रेनिंग जो है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लवासना मसूरी में 9 महीने तक हुई, और फिर 1 साल के लिए मुझे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में एज अ प्रोबेशनर ऑफिसर एज अ ऑफिसर ट्रेनिंग मुझे भेज दिया गया है. और लास्ट 3-4 दिनों से मुझे पूर्णिया में ही सर्वे एंड सेटलमेंट के लिए एक हफ्ते का अटैचमेंट के लिए मुझे यहाँ भेजा गया. और जब मैं पूर्णिया आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो ये मेरा घर है वहाँ पे मुझे एक बार सर्व करने का मौका मिल रहा है और सीखने का मौका मिल रहा है. तो जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से किस विषय में बात करूं, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि क्यों ना इस पे डिस्कस किया जाए कि जो प्रिपरेशन के टाइम पर जो मेरे दिमाग में था कि IAS क्यों बनना है, इसलिए बनना है, और जब ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें क्या बदलाव है, उसमें क्या सोच है कि IAS क्यों करना है और सर्विस में क्या अचीव करना है. तो जिस तरीके से कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, आप तैयारी करते हैं कुछ महीनों, कभी कभी सालों लग जाते हैं, तो आपके जहन में एक मोटिवेशन होता है कि आप उस एग्ज़ाम को क्यों कर रहे हैं. अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें तो ये एक सिविल सर्विस है. सिविल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसमें आप लोगों के लिए काम करते हैं. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में रह करके लोगों तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं और उसे फॉर्मुलेट भी करते हैं. तो जनरली जो एक सोसाइटल परसेप्शन होता है वो ये है कि हाँ, अगर मैं IAS या IPS ऑफिसर बनता हूँ या बनती हूँ तो मेरे पास काफ़ी लोग होंगे हेल्प करने के लिए, काफ़ी गाड़ियाँ होंगी और काफ़ी सारी सुविधाएँ होंगी, या लोगों में ऐसा जो परसेप्शन है कि हाँ वो बहुत एक बेस्ट जो है वो जॉब है अगर आप कोई भी एक करियर पाथ चूज़ करते हैं. तो मेरे ख्याल से ये बहुत नैरो परसेप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को लेके. कुछ दिन पहले मेरा एक क्लोज फ्रेंड मुझसे पूछा कि क्यों इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तुमने चूज़ किया, तो मैंने उसे 2 पॉइंट बताया जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा. पहला तो अलग अलग किस्म के जॉब्स होते हैं कि कोई इंजीनियर है, कोई कोडिंग कर रहा है, और आप सर्विस सेक्टर में हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, बड़े स्केल पे फार्मिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग किस्म के जॉब्स हैं. डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो ये सारे सर्विस सेक्टर्स में आ जाते हैं. तो इसमें एक जो सर्विस होता है वो है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं. अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि जो मैं कुछ देर पहले कहा कि आप पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं और पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं कि लोगों तक जो है कैसे लोगों का विकास हो सके, कैसे सोसाइटी का, एक स्टेट का, एक नेशन का कैसे डेवलपमेंट हो सके. और जो बेसिक नीड्स से हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, जैसे यहाँ पे तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन भारतवर्ष में ऐसे अनेकों लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उनके पास रहने को घर नहीं है, कहीं पे सड़कें अच्छी नहीं है, कहीं पे बाढ़ बहुत आता है, कहीं पे सुखाड़ आता है. तो इन सब समस्याओं को से ऊपर उठने के लिए हमें एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है. और चूँकि जो अपना देश है वो वेलफेयर स्टेट है,
तो हम लोगों की भलाई के लिए, उनके हित के लिए काम करते हैं। तो पहला जो पॉइंट उभर के आता है वो ये आता है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आना चाहते हैं, जहाँ पे आप बड़े लेवल पे आप अगर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, खुद के पॉलिसीज बनाना चाहते हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशन लेवल पे और स्टेट लेवल पे, तो आपके पास जो अभी का जो इंडियन स्ट्रक्चर है उसमें आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये चांस, ये मौका आपको देती है। और दूसरा जो बाकी और सारे सर्विस में नहीं मिलता है वो ये है कि जैसे लोगों के लिए काम करना, लेकिन लोगों के लिए काम तो एक एनजीओ भी करता है। एक आदमी अगर शिक्षा दे रहा है वो भी लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इसमें और आईएएस में क्या अंतर है? इसमें फ़र्क बस थोड़ा सा हो जाता है कि आप लोगों के लिए काम करते हो विथ लेजिटिमेट अथॉरिटी, कि एनजीओ के पास वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अगर वो एक दिन काम करेगी, हो सकता है वो दूसरे दिन डिलीवर ना करे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे अगर जो ऑफिसर्स हैं वो अगर काम डिलीवर नहीं करे तो वो अकाउंटेबल हैं। अब सवाल उठता है कि वो किससे किसको अकाउंटेबल हैं। तो बाकी और सर्विस और जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये तीन ऑल इंडिया सर्विस कहलाती है। इसका इम्पोर्टेंस इस बात से समझ में आता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने एक अलग से चैप्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंक्लूड किए बस और बस ऑल इंडिया सर्विस के लिए, कि कैसे इसका क्रिएशन होगा और कैसे इस सर्विस के थ्रू जो है पूरे इंडिया को एक गुड गवर्नेंस दिया जाएगा। सो दो पॉइंट जो मैंने बोला वो है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाहते हैं, और दूसरा कि अगर आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं विथ लेजिटिमेट अथॉरिटी, तो अगर ये दो मंशा अगर आप रखते हैं तब आप जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए तैयारी करिए, उसे जो उसमें ज्वाइन होने की आप सोच सकते हैं। अब फिर सवाल उठता है कि कब से तैयारी करें, कब से नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जब आप अच्छे कॉलेज में पहुंचते हैं, ग्रेजुएशन अच्छी जगह से करते हैं, तो फिर वहां जाने के बाद आप ये सब सर्विस के बारे में सोचें। आप दिमाग में रखें कि हाँ तैयारी करना है या इस सर्विस में आना है, लेकिन जो तैयारी है वो अभी से आप नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली तो ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी, अगर आप जिस भी क्लास में हैं उसको आप अच्छे से करते हैं, आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे चल के आपको मदद ही करती है। ट्रेनिंग के दौरान और एकेडमी में और फील्ड में एक चीज़ जो मुझे ये पता चला कि आप किसी भी फील्ड में अगर अच्छा करना चाहते हैं तो वो ये ज़रूरी है कि आप उसमें जो है अपने फील्ड, अपने चॉइस ऑफ फील्ड में आप जाएं। ये कहने के लिए बहुत आसान लगता है कि हाँ कोई भी अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आता है तो वो खुश होगा, ऐसा नहीं है। मेरे बैच में 180 आईएएस पदाधिकारी हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो सारे के सारे लोग खुश हैं। अगर आपका जो फील्ड है उसमें अगर आप करियर नहीं चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा जो है वो होती है। और जैसे कि अगर आप स्कूल में हैं तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेजुअल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट, इसका चर्चा मैं लास्ट टाइम भी किया था कि एक दिन में कुछ भी मतलब पूरा चमत्कार नहीं होता। अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो धीरे धीरे ही सही आपको करना होगा। आपको अपनी कमियां जो हैं, अगर आप को मार्क्स बढ़ाना है या किसी स्पोर्ट्स में अच्छा करना है तो अपनी कमियां को जानें और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और लास्ट टाइम मैंने एनेक्डोट भी दिया था, और बाकी लोगों को भी जब मैं देखा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो धीरे धीरे ही सही उस फील्ड में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो जिस भी फील्ड हो, जैसे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, अगर आप मन लगा के उस चीज़ को करते हैं तो ग्रेजुअली
आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू. अगर कोई और क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस होंगे तो आई एम हैप्पी टू टेक इट. थैंक यू एवरीवन. Anyone interested to know something from Shubham Bhaiya, you can ask him questions. Yes, one mic is required. Where? Upstairs. Control room. Hello. Lakra sir is going with Hello, check. विनय उस माइक उस कॉर्नर में. सर लंबे टाइम तक कैसे पढ़े, जैसे 5 to 6 आवर लगातार? एक माइक काइंडली यहाँ पर दे जाए. विनय, विनय जी, विनय एक माइक लो. ठीक है ठीक. कहाँ से, किसने ये क्वेश्चन किया? आप अपना नाम और क्लास बता दें. सनत अंशुमन, क्लास 7. क्वेश्चन क्या था आपका? जैसे लंबे टाइम तक कैसे पढ़े, जैसे 6 to 7 आवर रेगुलरली. काफ़ी अच्छा सवाल है. एक बार जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे जो हाउस मास्टर थे वो मृत्युंजय सर थे, अभी वो यहाँ पे नहीं है. तो उस समय क्या हुआ था कि एग्ज़ाम से कुछ 2 हफ्ते बाकी थे और मेरा प्रिपरेशन अच्छे से हुआ नहीं था, तो उन्होंने कुछ कुछ गाइडेंस दिया था, तो उसको मैं शेयर करना चाहूँगा. और फिर मैं अगले 2 दिन उसको इम्प्लीमेंट किया था और मैं लगभग 8 से 9 आवर्स जो है वो मतलब पर डे पढ़ पाया था. तो एक तो है कि जब आप खेलते हैं तो आपको किसी और चीज़ की याद नहीं आती, आप वॉशरूम नहीं जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि आप नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर लें. तो मैंने 1 घंटे का वो टाइम फिक्स किया कि 1 घंटे तक मैं इस चेयर पे बैठा रहूँगा, दिमाग को जो जो भटकता है उसको मैं रोकने की कोशिश करूँगा. तो जो अगर आपको लंबे आवर्स तक पढ़ना है तो उसको एक ब्लॉक के तरह ना देखें, उसको डिवाइड कर दें. और जनरली सबका अपना एक टेस्ट होता है कि किसी को एक ही सब्जेक्ट पढ़ने अच्छा लगता है, किसी को 2 या 3 सब्जेक्ट जो है वो 6-7 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ना अच्छा लगता है. तो मेरा ये था कि मैं 2 सब्जेक्ट जो हैं वो जनरली मैं पढ़ता था, और अभी भी जैसे पढ़ना होता है तो कोशिश यही रहती है कि जैसे 55 मिनट्स का एक स्लॉट लिया और फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया. तो अगर मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो आई एम नोइंग कि आई एम टेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम. तो मुझे चूँकि दिन में 24 घंटे फिक्स होते हैं, तो अगर आप 7 घंटे सोने में निकाल दें, कुछ घंटे खाने और ये सब में निकाल दें, और पढ़ने के 7 घंटे हटा दें, तो भी आपके पास 5-6 घंटे बचते हैं खेलने के लिए. तो जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो सफिशिएंट होता है अगर आप उसको अच्छे से प्लान करें. और जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो मोटिवेशन को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ये सेक्रीफाइस दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं. अगर वो मोटिवेशन स्ट्रांग होता है तो आप लॉन्ग आवर्स जो है वो पढ़ सकते हैं. जैसे आपका मोटिवेशन हो सकता है कि क्लास में बहुत अच्छा करना है, लास्ट टाइम अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसको इम्प्रूव करना है, ये कमियां हैं और इसको ऐसे करना है. तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप लॉन्ग आवर्स जो है वो पुट कर सकते हैं.
कोई और सवाल? हाँ बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, क्योंकि आप जहाँ पे खड़े हैं ना उस जगह पे पहुँचने के लिए बहुत हम जैसे बच्चे सपने देखते हैं, लेकिन शायद अभी उस पे टाइम है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे एक दो तीन सवाल है, आप क्या उसका आंसर देंगी? देंगे, सॉरी। आप पूछिए। भैया पहला तो आप हमेशा से मतलब किस टाइप के स्टूडेंट रहे थे जब आप विद्या विहार में आए थे, और मतलब आप सिक्स में इनरोलमेंट लिए, सेवन्थ एट नाइन्थ तक मतलब आप टॉपर्स लिस्ट में आते थे, टॉप टेन तक या फिर ऐसा कुछ? मैं क्लास सिक्स में मेरी रैंकिंग 35 to 40 थी, सिक्स सी में आया था, इस वजह से मैं 7A में गया। 7A से मैं 8B में गया था क्योंकि मैं 8B का दूसरा स्टूडेंट था, लेकिन दो लोग जो है वो क्लास छोड़ दिए थे, स्कूल छोड़ दिए थे, उस वजह से मैं 8A में मेरा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ था, नाम जो है वो काट करके चला गया था। तो फिर लेकिन 8A में रह के मेरा ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हुआ था कि 33rd या 34th रैंक, क्योंकि मैं लोगों से पूछा था कि मेरे से नीचे कौन है, तो वो बहुत कम ही लोग थे क्लास 8A में। और फिर 8B और 8C का हाईएस्ट मार्क पूछ के मैं रिलेटिव रैंकिंग पता करने की कोशिश की थी, तो 35 के अराउंड मेरा रैंकिंग जो है वो क्लास 6 और 7 में रहा, 8 में भी रहा, फिर ग्रेजुअली इम्प्रूव हुए, और क्लास 8 का जो सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम था उसमें मेरी पोजीशन सेकेंड आई थी। फिर 9th और 10th में जो है वो टॉप 10 में जनरली मैं रहता था, लेकिन रैंक जो है आउट ऑफ 6 एग्जामिनेशन एक या दो एग्जामिनेशन में ही आ पाती थी। भैया ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको वीक लगता हो? कभी कभी ऐसा लगता हो कि उस सब्जेक्ट की वजह से आप आगे नहीं जा सकते, तो और आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, मतलब कभी कभी आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, तो उसको कैसे फेस अप करना चाहिए? मतलब कभी कभी लगता है कि आपने कुछ टाइम वेस्ट कर दिया उसको, उसका रिग्रेट हो रहा है, लेकिन आपके पास बहुत कम टाइम बचा है कि आप उसको प्रूव करके दिखाओ वापस से। जैसे कि क्लास 9th में उतना इफिशियंटली अगर आप नहीं पढ़ पाए, कुछ रीजंस रहे, और 10th में जाके आप उस पर बहुत बेस्ट करना चाहते हो, बहुत बेस्ट, तो उसके लिए सर। भैया अभी के टाइम पर ये बहुत मतलब कोई भी टाइम पर ये पॉसिबल होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर अच्छे से फोकस वे पे स्टडी करते हैं तो उसमें ग्रेजुअली आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर साइंस में मेरे मार्क्स जो है कभी भी अच्छा नहीं आया। जब क्लास 8 में गया तो मैंने प्लानिंग करना स्टार्ट किया कि किस वजह से मेरे परसेंटेज कम आ रहे हैं, तो ये मैं पाया कि कंप्यूटर साइंस में मुझे 50% के अराउंड ही मार्क्स आ रहा है, इंग्लिश में मार्क्स कम हो रहे हैं, तो उस पर फिर वर्क किया। फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th में क्योंकि हमारे टाइम पर ग्रेडिंग का सिस्टम था तो 70 above इंग्लिश में लाना था ताकि 10th CGPA आ पाए, तो उसके लिए अलग से वर्कबुक वगैरह जो होता है उसको मैंने सॉल्व किया था, ग्रामर पे बहुत फोकस किया था क्योंकि मुझे पता है कि ग्रामर में अगर गलती करूँगा तो मार्क्स डेफिनेटली कट होंगे। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, फॉर एग्जांपल कुछ साइंस में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो ये मैं देखा कि जो लास्ट के चैप्टर्स हैं 3-4 वो मैंने अच्छे से नहीं किए थे और मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से आए। तो जो भी आपका वीक एरिया है उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से प्लान करें, और कोई भी सब्जेक्ट्स हो आप उसमें अगर वर्क करते हैं तो ईजली मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। भैया मतलब जब आप यहाँ पे आए थे तो शायद मतलब आप थोड़े डिफरेंट होंगे या फिर कुछ अलग क्वालिटीज़, और इसकी वजह से लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते होंगे, आपको कुछ बोलते होंगे, बहुत अजीब अजीब बातें, या फिर आपका मजाक उड़ाते होंगे और ऐसा कुछ, तो मतलब तभी और आप तभी प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन ना आप राइज अप नहीं हो पा रहे हो, अच्छे मतलब अच्छा पोजिशन नहीं आ रहा या फिर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो लोग आपको अप्रिशिएट करें कि हाँ आप कुछ कर रहे हो, तो और आप मेहनत कर रहे हो तो फिर उस चीज़ से आप कैसे फील करते हो? आई कैन टोटली रिलेट, जैसे यहाँ पे रीता मैम है, निखिल सर है, इन लोग को पता होगा कि मैं ज़्यादा बोलता नहीं था क्लास में भी, जब पूछते थे तब मैं जवाब देता था। जनरली मैं ऐसे जो है मेरे पास इतना करेज नहीं होता था कि इतने बड़े ऑडिटोरियम में मैं बोल पाऊँ, फिर लेकिन ग्रेजुअली इस पर थोड़ा वर्क भी किया था। बाद में जो असेंबली होता था उसमें मैं कोशिश करता था कि टॉक जो है डिलीवर कर पाऊँ। तो मजाक उड़ाने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो आपका स्कूल हो चाहे आपका कॉलेज हो, क्रिटिसाइज़ करने के लिए लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन आपको ये कोशिश करना है कि वो सब चीज़ों को अवॉइड करना है, उस चीज़ को आपको इम्पैक्ट नहीं होने देना है। कि जब मैं प्रिपरेशन में था, प्रिपरेशन के दौरान मुझे कुछ चीज़ें याद आती थी तो अच्छा नहीं लगता, फिर सोचते थे कि नहीं उसको साइडलाइन करते, जो अभी जो गोल है उसको अचीव करने पर फोकस करते हैं। तो जो भी आपका क्रिटिसिज्म है आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, आपको खुद को प्रूव करना है। तो ये चीज़ आप दिमाग से ये निकाल दे कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इस पे आप
मंथन जो है वो नहीं करिए, आप अपने ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट पे फोकस करिए। जब आपका इम्प्रूवमेंट होगा तो लोगों को धीरे धीरे अपने आप पता चल ही जाएगा कि आप किस लेवल से तैयारी करना स्टार्ट किया और किस लेवल तक पहुँचे हैं। ओके भैया, और मतलब आपने बहुत पहले डिसाइड करा होगा कि आपको ये यूपीएससी फील्ड में जाना है, कब डिसाइड करा था? नहीं, मैं 100% स्कूल में नहीं डिसाइड किया था, एक दिमाग में था, लेकिन फिर उस समय ये था कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, तो मैंने IIT की तैयारी स्टार्ट की। और कॉलेज में जाने के बाद भी थर्ड ईयर के एंड में जो है मैंने फाइनली डिसाइड किया था कि यूपीएससी और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो है वो अपना करियर बनाना है। तो इट्स लाइक इट्स फेयरली ओके कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको किस फील्ड में जाना है, आप हो सकता है चेंज भी करें, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक बार आप डिसाइड करते हैं कॉलेज में, तो उस चीज़ को वे इन कर ले कि इसके आप क्यों उस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या हैं। ओके, थैंक यू निधि, लेट द अदर स्पीक, अदर स्टूडेंट्स स्पीक। थैंक यू भैया। हेलो, थैंक यू, गुड इवनिंग भैया। भैया ये UPSC में राइटिंग स्किल कैसे बढ़ाएं? राइटिंग जो स्किल होता है वो आपको बस UPSC में नहीं, हर जगह जो है वो काम आता है। तो मेरा जो इम्प्रूवमेंट हुआ था, मेरा स्कूल में ही हुआ था। लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने इसको बताया भी था कि स्टार्टिंग में जो मार्क्स नहीं आ रहे थे, फिर उसका मैं रीजंस देखा तो मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा था। तो फिर जो मेरे दोस्त थे, कुमार निशांत मेरे हॉस्टल में था, तो मैंने उसकी कॉपीज़ लेता था, फिर देखता था, फिर उसमें कोशिश करता था कि मैं वैसा कैसे लिख पाऊँ। तो राइटिंग जो आपका क्वालिटी है उसको बढ़ाने का तरीका है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को नोट डाउन करने की कोशिश करें, और फिर जब आप क्वेश्चन आंसर बनाते हैं तो उसमें आप किसी की कॉपी ना करें, आप खुद से उस चीज़ को अच्छे से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करें। अगर आप न्यूज़पेपर है आपके, अगर न्यूज़पेपर आपके हाउस में आता है तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ के खुद से 3-4 लाइन जो है उसको समराइज करने की कोशिश करें, तो ग्रेजुअली जो है आप इस पे इम्प्रूव कर सकते हैं। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग भैया। भैया एक सवाल है, क्या करते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? ये सेम सवाल किसी ने पूछा था तो मैंने बताया था कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेडल कंग्रेचुलेशन फर्स्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल हु इज क्वालिफाइड IIT आफ्टर स्टडिंग इन IIT दे चूज द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्च। एज आई थिंक समटाइम्स गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑफ द मनी ओवर इट फॉर द स्टडी, सो आई थिंक दैट इट शुड नॉट बी हैपन बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग मोस्ट ऑफ द मनी, so it should be the restricted particularly he was selected for doing the engineering service, so any of the absent how much is this true? My question is how much is true to, after studying in IIT, after studying in the medical college, student getting joined in IAS, and what answer. Do you think who is apt for serving in Indian administrative service? Yes, if sir? Not IITians, who is apt, who is qualified enough to serve in Indian administrative service? Of course, any other. The UPSC notification says anyone who is graduate. Yes. So even if you are doing graduation from any government college, the government is spending money on you, either be it IIT or any universities like Delhi University. So UPSC tries to make it a level playing field, so it is open to everyone. Because it is about general administration, and anyone with enough preparation in that field, that is the syllabus of the UPSC, if he or she is qualified enough to clear that examination, then he or she is good to serve in Indian administrative service. So I think that answers your question. And even IITians, it is not only that they are duty bound to serve in engineering field. Many IITians, they have their own firm, they are entrepreneurs, they are contributing to the economy, they are creating jobs. So in the same way, when an IITian
they in charge of Indian administrative service, then they are serving the people. Thank you. भैया मेरा नाम अमन जीसान है. मैं क्लास 11 उनका छात्र हूँ. मेरा क्वेश्चन है, जब आपने यूपीएससी क्लियर कर जब आपने यूपीएससी क्लियर करा उसके बाद आप लवासना गए, तो वहाँ क्या किए? यूपीएससी क्लियर करना वो एक एग्जामिनेशन है, आप उसको क्लियर करके जाते हैं. जो रिक्वायरमेंट होती है सर्विस की, उसको आप जो है एक लेवल आप क्रॉस करके जाते हैं, फिर ट्रेनिंग होता है. तो लवासना में जो अलग अलग फील्ड होता है, जैसे हम कहें हमारा लॉ अटैचमेंट होता है, हमारा इकोनॉमिक्स फील्ड में एक हफ्ते का अटैचमेंट होता है. तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट मॉड्यूल्स डिज़ाइन होते हैं जो हमें प्रोफिशिएंट बनाएगा इन फ्यूचर टू सर्व पीपल बेटर. सो बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वी आर एक्सपेक्टेड टू नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग. सो हर एक फील्ड का एक एक्सपोजर दिया जाता है कि आप कोई भी ऑफिस में आके आपको बुड़बक ना बना के चला जाए. तो इसलिए एक इंफॉर्मेशन जो है हर फील्ड से दिया जाता है. हमारी लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है. चूँकि मुझे बिहार कार्डर मिला तो हिंदी मुझे आती थी, उसके बाद भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिंदी होती है उसकी ट्रेनिंग होती है. कोई अगर साउथ इंडिया में जाता है, कोई नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में जाता है, तो वहाँ के लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है. और दूसरा जो हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़, उसका एक कंपोनेंट होता है जिसमें हमें डिफरेंट स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, और अपने फियर को ओवरकम करने के लिए जो है हॉर्स राइडिंग और शूटिंग, ये सब का भी जो है वो फैसिलिटीज़ होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन भैया. थैंक यू. आई एम रूपांकित सिंह फ्रॉम क्लास 12th. आई वांट टू आस्क यू भैया, इस लास्ट टाइम में हम लोग 11th और 12th दोनों को कैसे मैनेज करें? अभी आगे बोर्ड्स भी है, फिर कुछ टाइम बाद हमारा कंपटीशन भी है. पहला आप फोकस करें कि आप बोर्ड्स में जो है वो अच्छे मार्क्स जो है आप ला पाएँ, तो जो आपका जो 12th होगा, क्योंकि वो आपके साथ स्टिक करेगा. और जो भी कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, तो वो जो आपका बोर्ड का सिलेबस होता है उसके एडिशन में कुछ होता है. तो बोर्ड का सिलेबस तो वो होता ही होता है, तो पहले आप उस पर फोकस करें. फिर जब वो आप उसके अलावा जब आप करते हैं तो साथ में करते हैं. जैसे अगर मैं 11th 12th में था, तो साथ में IIT की तैयारी कर रहा था, JEE की तैयारी कर रहा था. तो उसमें ये था कि पहले मैं जो बोर्ड का सिलेबस मैचिंग सिलेबस को कंप्लीट करता था, फिर उसी चैप्टर में थोड़ा एडवांस जो है वो पढ़ने की जो कोशिश करता था, और टाइम रहता तो उस चीज़ को कंप्लीट करता था. और जहाँ तक बात है कि 11th 12th को कब कैसे मैनेज करें, तो 12th का जो सिलेबस है वो मैं अगस्त तक जो है वो ख़त्म कर लिया था. तो फिर जो लास्ट के जो 6 महीने बचे थे, उसको 11th का जो सिलेबस था उसको रिवाइज़ किया था, फिर 12th को भी रिवाइज़ किया था. तो आप अगर अच्छे से प्लानिंग करें कि इस डेट को मेरा बोर्ड्स है, बोर्ड्स के सिलेबस को मैं ख़त्म कर पा रही हूँ, फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका ये सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ, और रिवीजन का इनफ टाइम है, तो आप साथ में उसका तैयारी कर सकते हैं. अगर टाइम कम आपको लग रहा है तो आप वेट करके भी तैयारी कर सकते हैं. गुड इवनिंग भैया. थैंक यू. गुड इवनिंग भैया. मेरा ये क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम प्रेशर से को टेक ओवर कैसे करें? ये काफ़ी थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. ये एक काफ़ी एक वाइटल टॉपिक हो गया है कि कैसे मेंटल प्रेशर और जो एग्ज़ाम प्रेशर है उसको कैसे डील करें. तो अगर आप फिजिकली और मेंटली अगर हेल्दी नहीं है, तो आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन या किसी भी सिचुएशन को आप अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे. तो इसको डील करने का तरीका है कि जो आपके इर्द गिर्द 3-4 आपके अच्छे दोस्त आपके फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए, जिसके साथ आप चीज़ों को शेयर कर पाएँ. अगर आपको एग्ज़ामिनेशन प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो जिस भी टीचर के साथ आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ आप चीज़ों को शेयर करें, आप बताएं कि आपको दिक्कतें कहाँ आ रही है, और जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें. फिर आप जो टारगेट्स रखते हैं वो स्थिति को देखते हुए रखिए. ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि बस एक एग्ज़ाम है और मैं जो है वो फर्स्ट कर जाऊँगा. आपको ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए, और आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर आप एक एग्ज़ामिनेशन जो है दैट विल नॉट डिटरमिन योर फ्यूचर. बहुत सारे ऐसे जो हैं वो लोग हुए हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छा जो है वो वर्ल्ड में किए हैं. तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप जो हैं, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन हो चाहे लाइफ गोल्स हो, आप उसको टारगेट कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. गुड इवनिंग भैया. आई वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चन.
you say something, I will remember these things for some time, one day or more days. But how I continue the permanent motivation? So generally, you see, जब आप you know school days में हैं या even in preparation, वो ups and downs आता है कि जिस समय कुछ दिन ऐसा होगा when you are mentally and physically fit and you are you know able to study for long hours, फिर ऐसे कुछ down phases आएंगे जहाँ पे आपको आपसे पढ़ाई नहीं होगी. तो ये जो है ये part of जो life है ये सच्चाई है. लेकिन इसमें हमें जो है वो focus ये करना रहता है जो लीन फेज़ होता है उसको मिनिमाइज़ करें, जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको मिनिमाइज़ करें. तो सबसे पहला जो पॉइंट उभर के आता है कि आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तभी आप उस पर वर्क कर सकते हैं. तो आप पहले एक लिस्ट बनाइए, जैसे कोई भी चीज़ को डील करने का तरीका है कि उसको आप सिस्टमेटिकली करें, उसको प्लान वे में करें. तो आप लिस्ट बनाएं कि किस चीज़ के वजह से आप अपने गोल्स तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उसको नोट डाउन करें. फिर देखें कि आपको ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप डील कर सकते हैं. तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब मैं यहाँ विद्या विहार में था तो मैं ये नोटिस किया कि मेरा रिवीजन जो टाइम है वो बहुत कम है और मैं अच्छे से एंड में रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ. तो मैं थोड़ा पहले एग्ज़ाम से मतलब एक दिन के बजाय 10 दिन पहले से रिवीजन जो है मैंने स्टार्ट किया. फिर कभी समझ में आया कि ये चीज़ क्लास में डिस्कस हुआ था लेकिन एंड में टाइम नहीं बचा पढ़ने का, तो कोशिश ये करने लगा कि क्लास में ही मैक्सिमम चीज़ मैं समझ लूँ ताकि बाद में मुझे उतना टाइम ना देना पड़े. तो उसके लिए बस क्लास में नोट्स बनाना मैं स्टार्ट किया कि जो भी सर और मैडम बोल रहे हैं उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स मैं बना पाऊँ. फॉर एग्जांपल जैसे ज्योग्राफी का मेरे तीन मैंने कॉपी भर दिया था, हिस्ट्री का भर दिया था, तो उससे एक नींद भी नहीं आती थी और बहुत हद तक मुझे क्लास में बहुत चीज़ें याद हो जाती थी. तो जो भी आपका जो लीन फेज़ है उसको आप जो है अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे तो उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं. थैंक यू. हेलो भैया, मेरा क्वेश्चन था कि आपको यूपीएससी का मोटिवेशन मिला कब और टेंथ के बाद आपका यूपीएससी तक का सफ़र कैसे रहा? टेंथ के बाद मैंने जो है यहाँ पे डिसाइड किया था कि मैं जो है जेई की तैयारी करूँगा. तो दिमाग में पहले ये था कि अच्छे कॉलेज में जाऊँ, और जो यूपीएससी का जो मोटिवेशन ये था कि जब कॉलेज में गया तो मुझे अच्छा एक्सपोज़र मिला, आईआईटी बॉम्बे से मेरा ग्रेजुएशन हुआ. तो मैं डिफरेंट फील्ड्स में इंटर्नशिप करने की मैंने किया. मैंने एक कंपनी के साथ 2 महीने काम किया, रिसर्च इंटर्नशिप मेरा यूनाइटेड स्टेट्स में 2 महीने के लिए था. तो अलग अलग फील्ड ट्राई करके और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को भी जानने की कोशिश की, लोगों से बातचीत किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं इस फील्ड में अच्छे से काम कर पाऊँगा और इस फील्ड में मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, इस फील्ड को करके इस फील्ड में आकर के मुझे सेटिस्फैक्शन होगा. तो अल्टीमेटली जो आपका हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ऊपर जाना चाहिए जो भी जॉब आप कर रहे हैं. तो ये सब रीजंस को कंसीडर करते हुए जो है मैंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड का रास्ता चुना. यहाँ से कोई हाथ और भैया, आपने इसको कितने अटेम्प्ट में निकाला था और कितने साल के प्रैक्टिस के बाद आपने यूपीएससी टॉपर बना? 2018 में पहला अटेम्प्ट दिया था, उस साल मेरा ग्रेजुएशन था. लेकिन जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें मिनिमम 1 साल तैयारी में लगता है और 1 साल एग्जामिनेशन का साइकिल होता है, तो 1 अटेम्प्ट देने के लिए 2 साल लग जाते हैं. तो मेरा ये 3रा अटेम्प्ट था और टोटल 3.5 ईयर्स, क्योंकि कोविड की वजह से डिले हो गया था रिजल्ट, तो 3.5 ईयर्स जो है वो मेरा लगा. 2018 सेकंड जैन मैंने तैयारी स्टार्ट की और 24 सितंबर 2021 में मेरा रिजल्ट आया. आपके पीछे जो है छोटे, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन भैया. एक सेकंड रुक जाए, मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ, बहुत देर से ये हाथ उठा रहे हैं. पूछिए सुनाई दे रहे सवाल. आपका नाम क्या है? शिवम कुमार. कौन से क्लास में? 6 में. तो आपको क्या लगता है कि यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? सर नहीं पता, क्योंकि सर मैं भी वही करना चाहता हूँ. बहुत अच्छी बात है, आप करना चाहते हैं. जो भी आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं सारा का सारा सब्जेक्ट जो है वो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है. तो आप कोई भी सब्जेक्ट ना छोड़ें, आप जितना भी सब्जेक्ट जानते हैं सारा वो पार्ट बन जाता है यूपीएससी सिलेबस का. तो मैं सर ज़्यादा जानता कि साइंस और मैथ सर ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उन दोनों में सर ज़्यादा नॉलेज होता है. ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं ये यूपीएससी का जो
प्रीलिम्स होता है उसमें साइंस और मैथ का भी यूज़ आता है, वहाँ से भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो बाद का पार्ट है जहाँ आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अगर तैयारी कर रहे हैं एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ पे जो आपका सिविक्स होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमी आगे वाले क्लास में होते हैं, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्लास 10 तक जो भी आप पढ़ते हैं वो सारा का सारा कहीं ना कहीं यूपीएससी का जो है वो सिलेबस का पार्ट बन जाता है। थैंक यू। गुड इवनिंग भैया, आई एम समद ऑफ क्लास 9th। एक कॉमन क्वेश्चन मेरे दिमाग में हर वक्त हिट करते रहता है कि जस्ट मुझे आपके तरह IIT करना है, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं 11th 12th की कोचिंग ठीक है, मेरे ट्यूशन टीचर्स कहते हैं कि उसके बाद 1 ईयर गैप लेके पढ़ना ठीक है, तो बस यही पूछना चाहता हूँ कि कोचिंग करनी कब चाहिए? देखिए, ये खुद से ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप 11th 12th में कोचिंग के साथ जो है वो तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं। तो मतलब आपसे बेटर आपका जज नहीं कोई और हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप JEE का जो सिलेबस है उसको निकाल के देखिए, अगर आप 9th में 9th 10th में फेयर थोड़ा आइडिया लगने लगता है, आप 11th 12th का सिलेबस निकाल के देखिए। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि निखिल रंजन सर क्लास में पढ़ाते थे, 9th के साथ साथ क्लास 11th के प्रॉब्लम्स को बता देते थे, और समर वेकेशन में हमें बताया जाता था कि क्लास 11th के इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन करके आना है, या 10th में बताया जाता था कि क्लास 12th के इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन करके आना है। तो जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप जो है 11th 12th के साथ साथ JEE का सिलेबस को आप कोप अप कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग का जो है वो मदद आप ले सकते हैं, और इस चीज़ को आपको अपने जो पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस करना पड़ेगा। गुड इवनिंग भैया, आई एम उत्सव ऑफ क्लास 7। भैया, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका सब फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और जो आपको ईजी लगता है वो तो आप करते हैं, बट ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें आप कमज़ोर उतना नहीं है बट हमें वो करने में मन नहीं लगता या मज़ा नहीं आता, तो वो सब्जेक्ट को हम लोग इम्प्रूव करने का ट्राई कैसे करें कि मतलब नहीं इस सब्जेक्ट में अब हमको मन लगाना है। आपका नाम क्या है? उत्सव। कौन से क्लास में? 7। आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा सब्जेक्ट है? हिंदी और संस्कृत। और मतलब ये आपको आसान लगता है? यस। और कौन सा डिफिकल्ट लगता है? सर मैथ साइंस ये सब में कंफ्यूजन कभी कभी आ जाते हैं, अगर हिस्ट्री में सर दिमाग सर बहुत टेंस हो जाता है। बड़ा भी संस्कृत है, टेंस संस्कृत है ना? यस। और उत्सव बता दूं कि भैया का भी 10th में भैया ने हिंदी संस्कृत ही ली थी, है ना? तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट अभी है भैया का भी था, संस्कृत था, और संस्कृत में ऐसे लेता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, हमारे पास बस संस्कृत का ही ऑप्शन था, लेकिन मैं ऐसे भी संस्कृत लेता, संस्कृत में अच्छा भी किया था, लेकिन वही है कि आपका चॉइस जो है, जो भी आपका चॉइस है वो आप ले सकते हैं। जहाँ तक आपका जो ये सवाल है कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है कौन नहीं लगता है, तो ऐसा होगा कि आपको कुछ सब्जेक्ट जो है पढ़ने में अच्छा लगेगा, कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ने में अच्छा लगेगा, लेकिन ये भी सच्चा है कि आप उस क्लास में आप अच्छा करना चाहते हैं, उस क्लास को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको जो सिलेबस है उतना आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों से बात करेंगे, आप अपने टीचर से बात करेंगे, जहाँ पर दिक्कतें आ रही है जैसे मैथ और साइंस में दिक्कतें आ रही है, आप बात करिए, आप अपने जो पीयर ग्रुप्स है उससे आप डिस्कस करेंगे, तो ग्रेजुअली उसमें इंटरेस्ट जो है वो जगने लगता है। और जहाँ तक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट का बात है, वो मेरा बहुत चेंज हुआ, कभी मैथ बहुत अच्छा लगा, मैथ में बहुत अच्छा किया भी, और बाद में जैसे अभी मुझे एंथ्रोपोलॉजी एक मानव शास्त्र सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा सब्जेक्ट भी था UPSC में, और ज्योग्राफी में भी इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट वाला जो एरिया है ये मुझे समझ में UPSC प्रिपरेशन से समझ में आया, ये आपका चेंज भी हो सकता है अगर आप उसको इनफ टाइम दे, अगर उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। और बता दूं छात्रों की भैया को, जहाँ तक भैया की व्यक्तिगत बात है, तो इन्होंने जिस चीज़ को चाहा उसको अपना फेवरेट बनाया और उसको पा करके ही इन्होंने दम लिया। पहले इच्छा हुई जो IIT करेंगे तो IIT किया, फिर मन किया UPSC करेंगे तो UPSC किया, मन किया जो UPSC नहीं, UPSC में हम बेस्ट 100 में आए, बेस्ट 10 में आया। जब इन्होंने ऐसा इरादा बनाया, अपना मजबूत इरादा बनाया, तो उसको भी इन्होंने हासिल करके ही छोड़ा। जब जो चाहा, अगर आपकी चाहत अगर दिल से है, एक बहुत ही एक फिल्म का डायलॉग याद होगा शाहरुख खान की फिल्म का, जो अगर तुम किसी चीज़ को अगर पूरे दिल से चाहते हो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, तो भैया उसका एक जीता जागता मिसाल है और हम लोग उसके साक्षी हैं, गवाह हैं। थैंक यू सर।
बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे पहले कहा कि आपने ट्रेनिंग के दौरान हॉर्स राइडिंग की, मतलब ऐसा क्या और क्या ट्रेनिंग के दौरान होता है जो आपके डीएम बनने से पहले आपके पर्सनालिटी में वो चीज़ नहीं था और मात्र कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो चीज़ आ जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं डीएम अभी बना नहीं हूँ, और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसका बस 6 और 7 साल का जो टेन्योर होता है वो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ट्रेनिंग के दौरान जो जो चेंज मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर जाता है। जब आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि आप में ऐसा कुछ ख़राब चीज़ें हैं नहीं, आप किसी से कम है नहीं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। और हॉर्स राइडिंग का भी जो कंपोनेंट है, मैंने ज़्यादा दिन नहीं किया, 1 हफ्ते का ही किया, लेकिन जब आप एक बड़े से जानवर को आप कंट्रोल में लेते हो तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो अलग होता है। तो इसी वजह से हमें वहाँ पे जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है कि आप ये सब चीज़ें करें। और नए नए स्पोर्ट्स, मेरा ये हैबिट जो है वो स्कूल से ही रहा है कि मैं नए स्पोर्ट्स को पिक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है बास्केटबॉल स्टार्ट में जो है वो खो खो से स्टार्ट किया, फिर क्रिकेट खेला एक साल, फुटबॉल खेला 3 साल, बास्केटबॉल खेले, फिर यहाँ से निकलने के बाद मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट किया। एकेडमी में जाके जो है मैं आईएस के बास्केटबॉल टीम और वॉलीबॉल टीम में अभी था मैं, और मैंने बिलियार्ड्स भी वहाँ सीखा, और इसके साथ साथ एक फूसबॉल होता है उसके टीम, उसमें भी मैंने जो है वो सीखा और उसमें मेडल प्राप्त की। तो जो जो ट्रेनिंग है वो आपको माहौल देता है कि अगर आप कुछ नया चीज़ सीखना चाहते हैं वो आप सीख सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू भैया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। माई नेम इज़ सोहम फ्रॉम क्लास 6। माई क्वेश्चन इज हाउ यू अंडरस्टैंड संस्कृत? How you understand Sanskrit? Yes, sir. Yes, Bhaiya. How used to understand? He stood and he did whatever he wanted to do. हमारे टाइम पे 3 संस्कृत के बहुत अच्छे यहाँ पे अध्यापक थे और अभी गोपाल झा सर हैं, तो उस वजह से मुझे ज़्यादा ऐसे परेशानी नहीं हुई संस्कृत पढ़ने में, क्योंकि साइंटिफिक जो संस्कृत है वो वर्ल्ड का सबसे साइंटिफिक लैंग्वेज है। अगर आप सूत्र को समझ गए तो उसमें जो है अच्छा करने में आपको कठिनाई जो है वो इस लेवल पे तो नहीं आएगी। गुड इवनिंग भैया। मेंस में टॉपर बनने के लिए कितना पेज लिखना पड़ता है? आपको क्या लगता है कितना पेज लिखना पड़ता होगा? आपका क्या आइडिया है कितना पेज लिखना पड़ता होगा? किसी को कुछ आइडिया है कि मेंस में कितना पेज, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं? 9 पेपर्स होते हैं मेंस में, और 2 मतलब लैंग्वेज का होता है, बाकी 7 कंपलसरी पेपर्स होते हैं। तो हर पेपर में 50 पेजेस लिखने पड़ते हैं 3 आवर्स में। जो हमारा टारगेट रहता है वो ये रहता है कि ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में एक पेज जो है वो 3 to 5 मिनट्स, 3 मिनट्स में एक्चुअली 3.5 मिनट्स में एक पेज कम्प्लीट करना होता है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो 50 into 9 आप कर लीजिए। कॉपी अपना सबसे अलग कैसे देखा है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जब एक कॉम्पिटिटिव माहौल में रहते हैं तो हमेशा से ये रहता है कि हाउ टू मेक योर आंसर्स डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो भीड़ है उससे कैसे आंसर्स को डिफरेंट करें। तो ये भी जो है वो आप यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे आप आंसर में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अच्छा एग्जाम्पल जो बाकी लोग नहीं लिखेंगे, जो बुक में नहीं है, जो आपको कहीं और से पता चली, जो बुक के अंदर में है लेकिन क्लास नोट्स में टीचर्स ने डिक्टेट नहीं किया हो, तो हमेशा ये फोकस करें कि कैसे आप उसको इम्प्रूव, मतलब कुछ अलग कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आती है, एक कंटेंट का बात आता है। तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट किया था कि जैसे ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, जितने भी सब्जेक्टिव पेपर्स हैं उसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बॉडी जो पूछा है उसके अलावा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैं सेपरेटली लिखता था। तो आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू भैया। गुड इवनिंग भैया। आई एम मयंक फ्रॉम क्लास 7। माय क्वेश्चन इज कि हाउ टू डू रिवीजन इफेक्टली? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ये बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, आपको अपने क्लास में इम्प्रूव करने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो रिवीजन के लिए आप सबसे पहले प्लानिंग करिए कि आपको फर्स्ट रिवीजन करने में
कितना टाइम लगता है, और थंब रूल ये होता है कि मिनिमम जो भी आप पढ़ रहे हैं मिनिमम 3 times आप उसको रिवाइज कर पा रहे हैं। तो जितना आपको टाइम लगेगा फर्स्ट रिवीजन में उसका हाफ टाइम लगता है आपको सेकंड रिवीजन में, और बहुत कम टाइम लगता है थर्ड रिवीजन में। तो रिवीजन का साइकिल आप डिसाइड करें, और शॉर्ट नोट्स हमेशा रेडी रखें, चाहे वो मैथ हो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और उससे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर द वंडरफुल क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर के और आप लोगों से इंटरेक्ट करके। आई होप कि अगर किसी भी वे में अगर ये आपको हेल्प करे करता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। इस खुशी की बात मैं क्या कहूँ, जितने हम लोग आज आह्लादित हैं, क्योंकि जब कोई अपना बच्चा कुछ बड़े पद को हासिल करके आता है, वाकई जाकर के जो घर के हर एक सदस्य को एक अलग ही खुशी होती है। जब पता चला शुभम के बारे में, राजेश जी ने बताया, जानकारी दी, तो अनायास दो शब्द दो लाइन तुकबंदी में अपने मेरे दिल से निकल गई कि न बाती की है जरूरत, न जरूरत है तेल की आज, क्योंकि रोशन करने को अपना ही घर खुद ही शुभम चिराग बन करके आज आया है हमारे पास। प्यारे छात्रों, हम सभी गवाह हैं, साक्षी हैं शुभम की जर्नी का, जो किस तरह से उन्होंने जो एक बिल्कुल एक सामान्य स्तर से ऊपर उठ करके और देश का जो सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम, सबसे पावरफुल एग्जाम, वहां तक की जर्नी इसने कैसे तय की, उसके हम लोग साक्षी हैं, गवाह हैं। आया था शुभम बहुत ही थोला सा प्यारा सा बच्चा बन करके, 2 साल इसी ने याद दिलाया, सर 2 साल में आपके ही साथ रहा, हमारे साथ खेलना, हमारे साथ खाना, इसके बाद जाके साथ में हाउस में बैठकर जाकर के जो है सो पढ़ना, कुछ योग इत्यादि का टिप्स वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं दिया करता था, जो जब ये आया था पहले तो सबको बताया था, कहा था उस समय। बहुत आज समय कम है शुभम के पास, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। जो आप पूछ रहे थे शुभम से, शुभम अपने बारे में बताने में शर्मा रहा था, हिचकिचा रहा था कि मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ क्या करूँ। उसने जब जब जो मील का पत्थर उन्होंने तय किया, उस पत्थर को निश्चित उसने क्रॉस किया, जब तब तक नहीं रुका जब तक कि वह उससे आगे नहीं बढ़ा। पहले इसकी इच्छा थी, तमन्ना थी कि मैं IIT करूं, तो इसने IIT की, फिर पता चला ना ये मंजिल नहीं, ये तो मेरा पड़ाव है, ये मुकाम नहीं है, ये तो एक पड़ाव है, मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ। जब इसने IIT किया तो इसका जो जज्बा था कुछ ऐसा ही था कि मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। नहारूंगा हौसला उम्र भर कभी मैं, किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। औरों से किया हुआ वादा टूट जाता है, लेकिन जब आप अपने आप से वादा करेंगे तो वह वादा निश्चित बात है वह टूटता नहीं, वो पूरा होकर के रहता है। जो कहना चाहता था उनके तमाम बातों को अगर मैं समेट करके अगर कहूँ चंद पंक्तियों में, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपनी धरती अपना आकाश पैदा कर, अपनी धरती अपना आकाश पैदा कर, अपने हाथ से अपना इतिहास पैदा कर, मांगने से फतह किसे मिलती है मेरे दोस्त, अपने हर कदम पे एक नया विश्वास पैदा कर, एक नया विश्वास पैदा कर। जितने सब्जेक्ट्स के बारे में उसने जानकारी दी, उन सभी सब्जेक्ट्स को उसने पीछे छोड़ दिया। अब बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट उसने UPSC के लिए चुना, जो साइंस का स्टूडेंट था, कभी उसकी हिंदी और संस्कृत, इन्होंने जाकर के 10th उसने संस्कृत ली थी, सभी विषयों को छोड़ करके जब UPSC की बात हुई तो इसने एंथ्रोपोलॉजी लिया, बिल्कुल एक नया विषय। लेकिन उस नया विषय को लेकर के भी उस विषय से इसने जाकर के बेइंतहा मोहब्बत किया। आप लोग मोहब्बत शब्द प्यार शब्द सुनकर के लगता है तो इससे उससे पता नहीं, न जाने क्या क्या बातें इस उम्र में आपके मन में आती है, लेकिन इसने जिस जिस चीज से मोहब्बत की, जिस विषय से, जिस पद से, जब तक उसको इसने हासिल नहीं किया उस मंजिले मकसूद को, तब तक इसने दम नहीं लिया। एंथ्रोपोलॉजी से शुभम ने UPSC निकाली। इसके बाद कुछ 401 उतना पहली बार में कुछ रैंक था, 290 इसने रैंक लाया। इसको एक बार लोग कर लेता है, एलाइड कर लेता है, कुछ हो जाता है, उसी से बड़ा खुश हो जाता है, UPSC का टैग लग गया, फिर भी इसको संतुष्टि नहीं मिली, या संतोषी नहीं है, संतोषी बनना चाहिए अन्य क्षेत्र में, इसमें ज्ञान हासिल करने के क्षेत्र में और धन हासिल करने के क्षेत्र में संतोषी नहीं बनना चाहिए। तब इसने जाकर के जैसे UPSC का ख्वाब देखा और उसके बाद 290 रैंक ले आया था, विदिन 500 था, लेकिन इसको तसल्ली नहीं मिली। हाँ, एक बात जो इन्होंने कही थी जब ये आया था, जो ये नहीं मैं जानता था कि मैं टॉप करूंगा, मैं 100 में आने के लिए कोशिश की, कोशिश में कर रहा था, जैसा कि हर टॉपर कहता है जो बेस्ट 10 बेस्ट 50 में,
यही ये कहा करता था, कहा भी था, लेकिन ऐसा हुआ जब पूरे दिल जो जान से इसने मेहनत की, माता पिता का आशीर्वाद काम आया, गुरुओं का इसकी महानता है जो हम गुरुओं को भी इसका श्रेय देता है, विद्यालय को श्रेय देता है, यह बहुत बड़ी बात है जिसके कारण यह आज भी बहुत कम समय में से कुछ समय निकाल कर बस अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आया है और फिर इसने जाकर के जो है अपने मंजिल मकसूद को हासिल किया। अब हाँ, इनके पिताजी की महानता कह दो, किस तरह से किसका बच्चा आगे बढ़ता है, जब इनको बोलने के लिए मैंने हमने लोगों ने कहा था तो इन्होंने जो कहा बात कही थी अभी तक मेरे जहन में बात घूम रही है। इन्होंने कहा था कि बस मैंने सर मैंने कुछ भावुक हो गए थे, गला रूंध गया था सुहा के पिताजी का, और कहा था सर मैं तो कोयला के खदान से निकाल कर ये कोयला का टुकड़ा दिया था, न जाने आप विद्या विहार के शिक्षकों ने कैसे उसको हीरा में बदल दिया, मैं खुद भी नहीं जानता। ठीक है, अब मैं सुहा के पिताजी से आग्रह करता हूँ कि सर दो शब्द आप हमारे छात्रों के लिए, आप इतने महान पुत्र के पिता हैं, आप दो शब्द हमारे छात्रों को प्रेरित करने के लिए आशीर्वचन के तौर पर कहें। हेलो, आदरणीय मिश्रा जी, समस्त टीचर्स, नॉन टीचर्स विद्या विहार और मेरे सारे विद्या विहार के सारे प्यारे बच्चों, जीवन में आदमी का एक लक्ष्य जरूर तय होना चाहिए। लक्ष्य विहीन न तो पढ़ाई होनी चाहिए न कोई वर्क होना चाहिए। जो भी काम करें वहाँ पर हमारा एक लक्ष्य सबसे सर्वप्रथम आना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है और क्यों है। यदि मेरा लक्ष्य है तो क्यों है, पहले लक्ष्य ऐसा क्यों चुन रहे हैं, इसका जवाब भी खुद में ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है अपने आप से, अपने आप में ईमानदारी बरतना, अपने आप में ईमानदार बनना। जब आप पढ़ते हो, खेलते हो या और लोगों से बात करते हो, ईमानदारी सबसे आगे, और ईमानदारी बहुत कड़वा होता है, उसको जल्दी आदमी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, धीरे धीरे उसको अभ्यास में लाना पड़ता है। तो ईमानदारी अपने जीवन में बरतना है और अपने कैपेसिटी को आंकना है कि मेरे अंदर में क्षमताएं क्या है, किस ओर हमारी क्षमता है, किस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं, इस चीज़ को भी जानना उतना ही ज़रूरी है। इसके लिए सर्वप्रथम हम जिस भी क्लास में रहें, लोअर क्लास में रहें, तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए उस क्लास में हम अच्छा करें। यदि मेरा रैंक क्लास में 10th आ रहा है तो हम मेरा प्रयास होना चाहिए हम 9th पर या 8th पर, उसे ऊपर हम कैसे हमको जाना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 10th रैंक में हैं, प्रयास तो हमने किया कि अब विद इन टॉप 5 में आ जाएं, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी रैंक 10th से 15 में चले गए, ऐसा भी होता है। तो निराशा, वैसी स्थिति में भी निराश नहीं होना चाहिए, आपने प्रयास किया लेकिन पॉजिटिव के जगह निगेटिव ग्रोथ हो गया, तो वहाँ पे मैं पेरेंट्स के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ, बच्चे को सपोर्ट करें। होता क्या है, यदि बच्चों का रैंक जिस रैंक में है, यदि उस रैंक से नीचे रैंक यदि हो गया तो पेरेंट्स अपने बच्चे को डांट फटकार शुरू करते हैं। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए मेरा बच्चा प्रयास किया अथवा नहीं किया। यदि प्रयास किया है और प्रयास के बावजूद रैंक नीचे आ गया तो उसको फिर हमको सपोर्ट करना है और जज करना है कि कहाँ पर प्रयास में कमी रही। या कभी कभी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, चाहे वह युद्ध का मैदान हो या कोई भी क्षेत्र हो, कभी कभी मजबूत सेना भी कमज़ोर सेना के आगे हार जाती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी सेना कमज़ोर थी,
रणनीति में कहीं ना कहीं चूक होती है। तो रणनीति टीचर्स भी बनाते हैं और गार्जियन भी बनाते हैं और बच्चों को भी बनाना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में। गार्जियन को भी अपने बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे में कौन सब स्ट्रेंथ है, कैसा कैसा स्ट्रेंथ है और कैसी कैसी कमजोरियां हैं। तो जब तक हम ये नहीं जानें तब तक हम बच्चे को सपोर्ट भी करें तो हम करें कैसे। ये इसके लिए धीरे धीरे आप जब तक पेरेंट्स बच्चे के करीब नहीं होंगे तब तक नहीं जान पाएंगे अपने बच्चों को। और दूसरे बच्चे से तुलना करना तो छोड़ दें, कभी नहीं करना चाहिए। ये फलाना बच्चा है, उसका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। कभी भी जीवन में ऐसी गलती पेरेंट्स से नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक समय बच्चा मेरा बहुत अच्छा था, धीरे 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 वह डिप्रेशन का शिकार होता है। और दूसरी तीसरी बात, कभी भी बच्चे से हम अनावश्यक अपेक्षा नहीं पालें और अपने आप में, अपने घर में, अपने घर के मेंबर्स के बीच ईमानदारी बरतने के लिए बरतना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बच्चे को ईमानदारी बरतने के लिए सिखा रहे हैं, सच बोलने के लिए सिखा रहे हैं, लेकिन हम अपने खुद में नहीं बरत पा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं समझें कि बच्चा हमको फॉलो नहीं कर रहा है, बच्चा फॉलो करता है। आपकी बातों का असर बच्चे पर नहीं होगा, वह आप माता पिता हैं, आप गुरु हैं। बच्चा नहीं बोल पाएगा, नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर अंदर उसके मन में होगा कि पापा खुद झूठ बोलते हैं, हमको सच बोलने के लिए कह रहे हैं। आपके आपकी बातों का असर कभी नहीं होगा। एक घटना गांधी जी के साथ भी थी जो हमने पढ़ी थी कि एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के गांधी जी के पास आए कि बच्चा उसका शक्कर बहुत खाता था, गुड़, कि गांधी जी जिसको, जिस बच्चे को जो बोल जाते थे तो वैसा मतलब वो बच्चा मान लेता था। तो गांधी जी ने पूछा क्या प्रॉब्लम है इस बच्चे के साथ में, तो ये मेरा बच्चा जो है गुड़ बहुत ज़्यादा खाता है, सो आप कुछ बोल दीजिए तो ठीक हो जाएगा। कहा कि आज ले जाइए बच्चों को, इस बच्चे को ले जाइए, आप एक सप्ताह के बाद हमसे मिलिए। फिर एक सप्ताह के बाद बच्चे को लेकर के आए तो गांधी जी बोले कि बाबू ज़्यादा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, सो कल से जो है गुड़ कम खाओ। चला गया। गार्जियन को आश्चर्य हुआ कि ये बात तो एक सप्ताह पहले भी गांधी जी बोल सकते थे, एक सप्ताह के बाद आपने क्यों कहा। तो गांधी जी ने कहा कि जिस दिन आप प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए थे उस दिन तक मैं भी खुद गुड़ बहुत ज़्यादा खाता था। तो उस दिन यदि आपके बच्चे को मैं कहता तो मेरी बात का असर आपके बच्चे पर नहीं होता। कहने का मतलब, गार्जियंस, टीचर्स दोनों को अपने आप में ईमानदार बनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद। लो जाने कितनी सारी बातें उन्होंने कह दी कम शब्दों में। पहली बात ईमानदारी, जो किसी और की नज़र में नहीं, वो आदमी निश्चित रूप से अपने मंजिले मकसूद को हासिल करता है जो खुद की नज़र में ईमानदार होता है। एक बात उन्होंने कहा, आप लोगों का आज माता पिता को भी यहाँ पे होना चाहिए था, उन्होंने कही जो कि बच्चों से, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, अपेक्षा मत पालिए। एनकरेज योर चाइल्ड बट डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर चाइल्ड। और तीसरी बात जो, अगर उसको मैं इंग्लिश में कहूँ, जो हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस इज द की ऑफ सक्सेस, नॉट सक्सेस इज द की ऑफ हैप्पीनेस। अब मैं माननीय सचिव महोदय से आग्रह करता हूँ कि शुभम अपने घर को पधारा है, आप आशीर्वचन के तौर पर आगे की यात्रा के लिए शुभकामना के तौर पर चंद शब्द अपने मुखारविंद से।
मेरे बगल में शुभम के पिताजी बैठे हुए हैं, आदरणीय शुभम के पिताजी, उनके चचा जी आए हुए हैं, प्रिय शुभम, सभी शिक्षक, मेरे डायरेक्टर साहब, सभी शिक्षकगण, छात्रों, छात्राएं, एक बात जो शुभम के पिताजी ने कहा कि आप खुद के प्रति ईमानदार हों तब बच्चे आपके ईमानदार बनेंगे, यह इनडायरेक्टली हमारे टीचर्स पर भी लागू होता है। आप समय के पाबंद हों, आप डिसिप्लिन का डिसिप्लिन का पालन करें, आप छात्रों से जो कहें वह खुद में अनुसरण करें। और मैं शुभम के लिए शुभकामना देता हूं कि जो आईएएस का हाईएस्ट पोस्ट है उस पोस्ट से यह रिटायर करे और लंबे अरसे तक उस पोस्ट पर बना रहे। धन्यवाद। बहुत खूब सर। और अब मैं माननीय निदेशक महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि शुभम के लिए चंद शुभ वाक्य अपने मुखारविंद से। और साथ ही मैं अपने निदेशक महोदय इंजीनियर रंजीत कुमार पाल से आग्रह करता हूं कि आप अपने ही मुखारविंद से आज के इस कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापन से समापन भी करें। हमारे सचिव महोदय, हमारे इस विद्यालय के पूर्ववर्ती बहुत ही सफल छात्र शुभम जी, उनके पिताजी, हमारे सभी शिक्षक वृंद, प्यारे छात्राएं और जो भी बाहर से लोग आए हुए हैं, सबको यहाँ देख करके आज लगता है विद्यालय में एक विशेष दिन है। यानी शुभम जी का यहाँ पर आना विद्यालय के लिए बड़ा शुभ दिवस हो जाता है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब एक के बाद एक बहुत से प्रश्न आए। आज आप लोगों ने इतना प्रश्न किया और सभी बहुत ही काम के लायक प्रश्न था आपका, और शुभम जी ने बहुत बढ़िया से जवाब दिया। जितने भी प्रश्न किए गए और जो भी जवाब दिया गया, आप ध्यान से सुनिएगा, ये सभी आपके इस विद्यालय जीवन के अंदर ही से पैदा हुआ है और उसी से संबंधित इसका जवाब भी था। यानी ये जो आपका विद्यालय का जीवन है अभी, यही शायद सबसे महत्वपूर्ण जीवन समय है आपके जीवन के लिए। आप क्लास 4 के स्टूडेंट हो, चाहे 6 के हो, चाहे 10th के हो, यहाँ जो आपको शिक्षा मिलेगी यही शिक्षा जीवन भर आपके साथ चलती रहेगी। इसलिए जो शिक्षा यहाँ मिल रही है उसका आप सही सही ग्रहण करें, उसे उसका पालन करें। जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है उसको ध्यान से सीखें। कितना घंटा पढ़ेंगे ये जरूरी नहीं है, कितना कंसंट्रेशन के साथ, कितना ध्यान के साथ आप पढ़ेंगे ये जरूरी है। केवल किताब को पढ़ना जरूरी नहीं है, आप लिख लिख के पढ़ें, आप नोट बनाएं, शॉर्ट नोट बनाएं, अपने से कुछ क्वेश्चन तैयार करें, उसका जवाब दें। ये जवाब देने के टाइम अपने जवाब देंगे, दूसरे का देख करके नहीं। ये सब बातें सोम ने कही। और भी एक बात आपसे कही गई कि आपको अच्छा करने के लिए आवश्यक है आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें अपने को। ये बहुत आवश्यक है कि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने को स्वस्थ रखें। अब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत से बच्चे थोड़ी सी खाई हमारे हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, कुछ लोग उनका साथ देने के लिए पहुँचते हैं। तो एक खासी एक की होती है, साथ देने के लिए 5 वहाँ पहुँचे रहते हैं। तो आपको देखना है आप समय का कितना सही उपयोग करते हैं। समय सबके लिए 24 घंटा है, शुभम जी के लिए समय 24 घंटा ही था। हम में से किसी के पास 24 घंटे से ज़्यादा समय नहीं है। उसी समय में आपको 5 घंटा पढ़ना है कि 6 घंटा पढ़ना है, आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन मैं फिर पुनः बोलूँगा, आप कितना पढ़ेंगे ये जरूरी नहीं है, आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं ये आवश्यक है। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि शुभम जी दोबारा यहाँ पर आए। मैं चाहूँगा इस हॉल के बनने के बाद आप पहली बार आ रहे हैं इस ऑडिटोरियम। शुभम इस ऑडिटोरियम बनने के बाद आप पहली बार आए हैं। फर्स्ट टाइम। तो इनको ये ऑडिटोरियम देख कर बहुत खुशी हुई होगी और सोच रहे होंगे अगर मेरे समय भी ऑडिटोरियम होता तो शायद और कितना अच्छा होता। तो आपको ये कितना बड़ा एक अवसर मिला है कि इनके पास ये सुविधाएं नहीं थी आज से जब 2013 में ये पास आउट करके 2013 में ना जी 2013 ये क्लियर योर क्लास 2 जी 2012 में
उस समय उनके पास ये सुविधाएं नहीं थी जितनी सुविधाएं आज आप देख रहे हैं। तीन हॉस्टल, आलू छीलने के लिए भी मशीन आ गया, आलू और प्याज के लिए भी, उसमें नहीं था। कपड़े धोने के लिए मशीन आ गए। आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, ये सुविधाओं से लोग वंचित रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ करके दिखाया है। आप इतनी सुविधाओं को पा करके भी क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये सोचना आपके ऊपर है, दूसरा कोई आपको नहीं बता पाएगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि शुभम जी को देख करके और भी हमारे जो बच्चे यहाँ से अच्छा करके निकले हैं उनको देख करके आप अपने को मोटिवेटेड करें और आगे से अच्छा करें। मुझे पूरा विश्वास है आप अवश्य ही अच्छा करेंगे और आप में से हर विद्यार्थी इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। बहुत धन्यवाद। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शुभम, ऐसा है कि धन्यवाद ज्ञापन तुम्हें क्या करूं अपने ही घर में। धन्य हो तुम जो ऐसे पिता तुम्हें मिले हुए हैं। जब वो बोलते हैं पता चल गया, जो कहावत है, एक अपने बिहार की ही कहावत है, जैसे एक तूने बिहार का एक शब्द प्रयोग किया था बीच में, कहीं हो ही जाता है, स्वाभाविक है। तो उसी तरह से बिहार में कहावत कि बाढ़ ही पुत्र पिता के घर में, खेती उपजे अपने ही कर में, अर्थात पुत्र के संवर्धन में निश्चित पिता के प्रोत्साहन बहुत काम आता है। और धन्य हो तुम आने जो कि आज ऐसे पिता को तूने पाया है इसके लिए। और बस धन्यवाद ज्ञापन के रूप में मैं तमाम अपने छात्रों की ओर से जो ये छात्र जो तुम लोगों से तुमसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, जो एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक प्रार्थना विनती, इनका आग्रह, इनकी जो आरजू है उसको मैं चंद शब्दों में कह दूं। प्यारे छात्रों, इस सभी आप लोगों की ओर से मैं कह रहा हूं, जो शुभम भैया प्यार के मोर पर मिल गए हो अगर, तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। शुभम भैया प्यार के मोर पर मिल गए हो अगर, तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जाते हो तो आने का वादा करो, जाते हो तो आने का वादा करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सो मेनी थैंक्स एंड मेनी मेनी बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी अहेड।